वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ एलिबाई की कहानी। ये एलिबाई के प्रिंसिपल आपने पढ़ा तो होगा ही। इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से आता है। इस डॉक्ट्रिन को समझाने के लिए एक केस से शुरू करती हूँ। केस का नाम है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दूधनाथ पांडे की कहानी शुरू होती है एक घर से। इस घर में रहने वाले हैं 4-5 लोग। पापा जो कि एडवोकेट थे उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ के बाद घर में थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, जिसकी वजह से मदर डिसाइड करती है कि घर के ऊपर जो कमरा है उसे किराए पर दे दिया जाए। तो किराए पर यह कमरा दिया जाता है दूधनाथ पांडे को। दूधनाथ पांडे ऊपर रहता है और बाकी परिवार नीचे रहता है। परिवार में माँ है, 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा है जो छोटा है, जो अभी कॉलेज जाता है। दोनों बेटियां बड़ी हैं जो कॉलेज में ही पढ़ाती है। दूधनाथ पांडे जो बड़ी बेटी है जिसका नाम रंजना है, उससे 1-2 बार मिल चुका है, उससे हाय हेलो हुई है। और यहीं पे दूधनाथ पांडे को ये लगा कि लड़की हंसी तो मतलब फंसी, यानी ज़रूर रंजना भी मुझे प्यार करती होगी। तो वो सीधे रिश्ता लेके पहुंच जाता है रंजना की माँ के पास और रंजना की माँ को कहता है कि आपकी लड़की भी मुझे पसंद करती है। रंजना की माँ रंजना से पूछती कि क्या तुम दूधनाथ पांडे को पसंद करती हो? रंजना मना कर देती है। तो फिर यहाँ पे बात ख़त्म करने के लिए रंजना की माँ कहती है कि तुम अब ये कमरा खाली कर दो। दूधनाथ पांडे को बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे कमरा खाली कर दो, मैं तो प्यार करता हूँ, मुझे तो आपको दामाद बनाना चाहिए और आप यहीं पर मुझसे कमरा खाली करवा रहे हो। खैर बात थोड़ी आगे जाती है। इसके बाद दूधनाथ पांडे रुकता नहीं है, वो जाता है कोर्ट में और हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर देता है रंजना के लिए कि रंजना को उसके परिवार वाले ज़बरदस्ती घर में बंद करके रखे हैं और वो चाहता है कि उसे वापस छोड़ा जाए और ये पता किया जाए कि इसके परिवार वाले इसे क्यों ऐसे परेशान कर रहे हैं। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो परिवार बीच में क्यों आ रहा है। कोर्ट ये सारी बात सुनता है, रंजना के परिवार को समन करता है। परिवार के साथ रंजना भी कोर्ट में आती है और कहती है कि मुझे मेरे परिवार ने नहीं छुपा के रखा, मैं अपनी मर्जी से अपने घर पे रह रही हूँ और मैं दूधनाथ पांडे से प्यार नहीं करती, ना ही मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। केस हो जाता है यहीं डिसमिस। अब कोई शरीफ आदमी होता तो यहीं रुक जाता, लेकिन ये तो थे दूधनाथ पांडे, तो ये यहाँ भी नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने फिर से एक केस फाइल किया और इस बार आपको ताज्जुब होगा कि केस किस चीज़ पर फाइल हुआ। तो केस इन्होंने फाइल किया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे। इन्होंने फैमिली कोर्ट में जाके ये कहा कि रंजना इनकी पत्नी है और परिवार वाले इन्हें साथ नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि कास्ट का डिफरेंस है इसीलिए परिवार विरोध कर रहा है, तो रंजना को अपने पति यानी दूधनाथ पांडे के पास वापस भेजा जाए। अगेन पूरे परिवार को समन किया जाता है, रंजना फिर आती है और फिर से कोर्ट में यही कहती है कि मैं इस आदमी से प्यार नहीं करती, मैं इसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ, हमारी 1-2 बार बात ही हुई है लेकिन हमारी शादी कभी नहीं हुई, और इसीलिए इस केस को भी फिर से डिसमिस कर दिया जाता है। अब देखिए आदमी शरीफ होता तो शायद यहाँ भी रुक जाता, लेकिन ये तो थे दूधनाथ पांडे, तो ये यहाँ भी नहीं रुके। इसके बाद ये घर पे जाते रहे और धमकाते रहे कि रंजना से मेरी शादी करवा दो वरना मचा नहीं होगा। घर वालों को लगा कि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसीलिए रंजना जब भी पढ़ाने जाती थी वो उसके छोटे भाई को साथ में भेजते। एक दिन यूं ही जब रंजना को कॉलेज उसके छोटे भाई ने छोड़ दिया, तब छोटा भाई कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था, रंजना कॉलेज के अंदर पहुंच गई थी, इतने में दूधनाथ पांडे आया और उसने उसके भाई से कुछ बहस हुई। बहस के बाद दूधनाथ पांडे को गुस्सा आया और उसने रिवॉल्वर निकाल के भाई की हत्या कर दी। ये हत्या देखने वाले वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। रंजना के घर पे जो लोग काम करते थे वो लोग भी कुछ वहीं खड़े हुए थे और उन्होंने देखा और तुरंत जाके रंजना को बताया। रंजना जब तक आई तब तक भाई की मृत्यु हो चुकी थी और दूधनाथ पांडे फरार हो चुका था। रंजना ने तुरंत जाके पुलिस में कंप्लेन करवाई। अब पुलिस दूधनाथ पांडे को पकड़ती है तो दूधनाथ पांडे ये कहता है कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, जिस समय हत्या हुई उस समय तो मैं अपने ऑफिस में था और मैं वहीं काम कर रहा था, आप चाहें तो अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर सकते हैं, आप ये पाएंगे कि मेरा साइन है उस रजिस्टर पे, यानी मैं तो वहाँ था ही नहीं, और आप चाहें तो मेरे कॉलीग से पूछ सकते हैं, वो सब आपको बताएंगे कि मैं नहीं था वहाँ पे, मैं तो पूरा टाइम ऑफिस में था। जब पूछताछ करी जाती है तब कॉलीग्स भी कहते हैं कि हाँ ये तो था, हमने इसे देखा था कि ये आया तो था। जब ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि कितना डिस्टेंस था उस इंसिडेंट की जगह से और ऑफिस में, तो पता चलता है कि हार्डली 5 से 10 मिनट का रास्ता था इन दोनों जगह के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एलिबाय तभी लगाया जा सकता है जब डिस्टेंस इतना हो कि ये चीज़ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो कि अक्यूज वहाँ पे होगा।
सिर्फ 5-10 मिनट के रास्ते के लिए प्रिंसिपल ऑफ एलिबाई नहीं अपहोल्ड किया जा सकता। सो ये थी कहानी दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ एलिबाई के बारे में कोर्ट ने बताया। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव JG1 बैचेस में एनरोल करने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।